दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लाल किताब के वशीकरण मंत्र। जी हाँ, अगर आप मनाना चाहते हैं अपने रूठे हुए प्यार को तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने रूठे हुए प्यार को अपने जीवन में वापस ला सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार तो जरूर करता है और वो जिसके साथ बंध कर जिंदगी भर साथ निभाने की बात करता है। ये प्यार किसी को बहुत पहले मिल जाता है, किसी को बहुत तपस्या करने के बाद मिलता है और किसी को शादी के बाद प्यार होता है। अगर आपका कोई प्यारा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, कोई आपसे रूठ गया है या फिर आपको ऐसा फैसला नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे उस इंसान को अपने जीवन में रखें, कैसे अपने घर वालों को मनाएं या फिर उस व्यक्ति को ही कन्विंस करें ताकि वो आपके जीवन में हमेशा के लिए आ जाए, कोई गलत फहमी आपकी जिंदगी में अगर आ गई है तो उस समस्या का समाधान आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि आप परेशान मत होइए, हर समस्या का समाधान होता है। रूठे हुए प्यार को मनाना चाहते हैं तो आपको ये उपाय करना होगा। जी हाँ, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा एक पीपल का पत्ता। जी हाँ, आपको पीपल के पत्ते को तोड़ना नहीं है। जी हाँ, पत्ते को तोड़ना नहीं है और आपको पत्ते को उठाना नहीं है नीचे से। आपको पीपल के दो पत्ते तोड़ने हैं और सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये दो पत्ते तोड़ने हैं वाली लाइन काट देना अगर हो सके तो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक साबुत पीपल का पत्ता लेना है और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से ये उपाय करना होगा। इसको करने के लिए आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है पेड़ पर से, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है जो भी पीपल के पेड़ के नीचे गिरा हो। जी हाँ, और ध्यान रखें कि वो हरे रंग का पत्ता हो, पीला पत्ता नहीं लेना है आपको। और उसके बाद पत्ते पर आपको लिखना है नाम। जी हाँ, सबसे पहले पत्ते पर लिखेंगे आप अपना नाम। तो इस तरह से आप अपना नाम लिख दीजिए, जैसे कि मान लीजिए लड़के का नाम अगर विनोद है तो ऊपर लिखिए विनोद, बीच में लगाइए प्लस का साइन। लड़की का नाम लिख दीजिए, लड़की का नाम निधि लिख रही हूं मैं यहाँ पर। और आपको इसके साथ में यहाँ पर बनाना है एक स्वास्तिक का निशान, इस तरह से स्वास्तिक का निशान बनाना है और नीचे लिखना है आपको ओम। और ये आपका वशीकरण का पत्ता तैयार हो गया। इस तरह से आपको ये वशीकरण का जो यंत्र है वो तैयार करना है और उसके बाद आपको एक मंत्र है जो कि इसके साथ आपको बोलना होगा, जिसका जाप करना होगा। और उस मंत्र के जाप करने से आपका जो प्यार है वो आपके जीवन में हमेशा के लिए आ जाएगा। वो मंत्र बेहद आसान है, मंत्र है ओम नमो भगवते नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है, अंत में आपको ये पत्ता अपने सामने रखना है और इस पत्ते के ऊपर लगाना है आपको थोड़ा सा सिंदूर। जी हाँ, एक चुटकी भर आपको इसके ऊपर सिंदूर लगाना है, बहुत ज्यादा सिंदूर नहीं लगाना है। इस तरह से आप जहां पर आपने विनोद लिखा है वहां पर, यानी कि अपने नाम पर भी आपको सिंदूर गिराना है और लड़की के नाम पर भी सिंदूर गिराना है। और उसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण अच्छे से करना है। ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, मंत्र है ओम नमो भगवते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस पत्ते को अपने सामने रखना है। मंत्र को 108 बार जाप करना है। मंत्र अच्छे से देख लीजिए, मंत्र है ओम नमो भगवते नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है और उसके बाद आपको इस पत्ते को इस तरह से मोड़ लेना है। जी हाँ, पत्ते को इस तरह से गोल कर दीजिए और उसके बाद इसको इस तरह से मोड़कर आपको अपने बिस्तर के नीचे रखकर सो जाना है। अगली सुबह आपको उठना है और अपने घर के पास जिस पीपल के पेड़ के नीचे से आप ये लेकर आए थे वहां पर ही जाना है आपको। और उसके बाद एक गड्ढा खोदकर आपको उसमें इसे दफन कर देना है, गाड़ देना है और पीछे पलटकर नहीं देखना है। जी हाँ दोस्तों, घर आने से पहले पहले आपका जो रूठा हुआ प्यार है वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा या फिर कोई ना कोई तरीके से आपसे बात करने की कोशिश जरूर करेगा।
ये आजमाया हुआ उपाय है जो बहुत सारे भक्तों ने किया और उन्हें उसका फायदा मिला है। आप भी इसे कीजिए, आपको भी इसका फायदा जरूर होगा भक्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, कोई और समस्या हो तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप हमें। धन्यवाद भक्तों।